इस वेब सीरीज को हमने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो दूसरे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवन होता है। वो अपने पैरों में जंजीरें डालकर सोता था, क्योंकि जब भी वो ऐसा नहीं करता वो हमेशा सुबह में किसी और जगह पर उठता था। फिर वो एक सुबह रेडी होकर म्यूजियम जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था, और वहाँ उसके साथ काम करने वाली एक लड़की उसको डेट के लिए पूछती है, और फिर फ्राइडे का डेट फिक्स हो जाता है। फिर वो वापस आता है और अपने पैरों में जंजीरों को बांधकर पजल को सॉल्व करने लगता है ताकि वो जागा रह सके। पर तभी उसे नींद आ जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक अनजान जगह पर उठता है, और फिर उसे कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, और वो उन आवाजों को सुनकर डर जाता है। वो घबरा कर अपनी पॉकेट चेक करता है और उसके पॉकेट से एक अजीब सी चीज निकलती है, और तभी उसके पीछे इजिप्शियन गॉड कोंसु आ जाते हैं, और उनको सुनाई देने वाली आवाजें उस गॉड की ही थी। पर तभी उसके ऊपर हमला होने लगता है और वो वहाँ से भागकर शहर में जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम आर्थर था और एक इजिप्शियन गॉड आमिट को मानने वाला था, और वो लोगों को एक छड़ी के द्वारा जज करता था, और जो भी लोग कुछ गलत कर चुके थे या करने वाले थे उनकी सोल को आमिट को सौंप देता था। और तभी आर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे वही अजीब सी चीज मांगता है, पर स्टीवन चाह कर भी वो चीज नहीं दे पाता, मानो उसके शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। और अब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें बंद होती है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं, और इसके बारे में स्टीवन को कुछ भी याद नहीं होता। और अब फिर से वो वहाँ से भागने लगता है, और अचानक से उसकी आंख खुलती है और स्टीवन हंसने लगता है और इन सब बातों को सपना समझकर बोलने की कोशिश करता है। फिर वो हर रोज की तरह उठता है और अपने डोर से टेप को रिमूव करता है और तैयार होने लगता है, क्योंकि आज उसको अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जाना था। वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है, पर तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि उनका प्लान फ्राइडे का था और आज तो संडे है, और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो घर वापस आ जाता है, और तभी उसको घर के दीवार पर एक सीक्रेट चेम्बर मिलता है, और उसके अंदर स्टीवन को एक मोबाइल भी मिलता है। और जब वो उस फोन को चेक करता है तब उस पर लायला नाम की लड़की की बहुत सारे मिस कॉल्स थी, और तभी फोन में लायला का कॉल आने लगता है, और लायला उसको मार्क बोलकर बुलाती है, और ये नाम सुनते ही वो फिर से सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसका नाम तो स्टीवन था। फिर फोन कट होने के बाद जब वो बाथरूम की तरफ जाता है तो मिरर में उसे अपने रिफ्लेक्शन बोलते हुए नजर आती है, और ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और अपने ही घर से बाहर की ओर भागने लगता है। और स्टीवन को फिर से इजिप्शियन गॉड खोंसु दिखाई दे रहे थे, और अब स्टीवन सपने और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो म्यूजियम में पहुंचता है और दिन भर वहाँ काम करने के बाद जब वो घर वापस आ रहा था तभी उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो अचानक से उस पर हमला करने लगता है, और फिर उसे उस आर्थर की आवाज भी सुनाई देती है जो स्टीवन से वही गोल्डन सी चीज मांग रही थी और बदले में उसकी जान बख्शने का वादा करता है। पर स्टीवन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, और भागते भागते एक बाथरूम में जाकर पहुंचता है और बाथरूम के अंदर खुद को लॉक कर लेता है, और फिर उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दोबारा से बोलती हुई नजर आती है, और वो रिफ्लेक्शन स्टीवन से कहती है कि अपनी बॉडी मुझे सौंप दो वरना वो मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगा। और अब स्टीवन ना चाहते हुए भी मजबूरी में हाँ कर देता है, और अब हमें स्टीवन को कोंसु के अंश मून नाइट में बदलते हुए दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि मून नाइट बनकर वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, और अगली सुबह उसकी नींद वापस से अपने बेड पर खुलती है और वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या सपना। तभी वो उसी होटल में पहुंचता है जिस होटल की चाबी उसके रूम में मिली थी, और वो उस होटल में जाके रिसेप्शनिस्ट को अपना लॉकर देखने को कहता है, और वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत ही उसे पहचान जाता है और उस लॉकर तक उसे ले जाता है, और उस लॉकर में उसे एक बैग मिलता है और उस बैग में बहुत सारे पैसों के साथ साथ एक गन भी मिलता है। उसे एक पासपोर्ट भी मिलता है जिसमे उसका नाम मार्क लिखा था। थोड़ा और ढूंढने पर उसको उस बैग में वही गोल्डन चीज मिलती है जिसकी वजह से आर्थर उसके पीछे पड़ा था, और अब उस चीज को छूते ही वो आसमान में उड़ने लगती है, और स्टीवन तुरंत ये समझ जाता है कि ये एक तरह का कंपास है, पर ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है उसे मालूम नहीं। फिर तभी उसे वापस से मिरर में मार्क की रिफ्लेक्शन नजर आती है, और मार्क यहाँ बताता है कि मार्क कोंसु का अवतार है, और कोंसु के कहने पर वो उन सारे बुरे लोगों को मारता है जो कि इंसानियत के लिए खतरा है। पर स्टीवन यहाँ उसकी एक भी नहीं सुनता और उस बैग को पुलिस के हवाले करने को कहता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ले और वो दोबारा कभी भी उसके शरीर का इस्तेमाल करके किसी और की जान ना ले सके। और अब स्टीवन बाहर जाने लगता है तभी उसके पीछे इजिप्शियन गॉड पड़ जाते हैं, और भागते भागते वो अचानक रास्ते में गिर जाता है। तभी वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे अपने बाइक पर बिठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में स्टीवन को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लायला है, और लायला मार्क की बीवी थी। अब स्टीवन और भी कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि बीते कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। फिर वो लायला
लायला को अपने घर ले जाने को कहता है। अपने घर आते ही लायला स्टीवन के बैग को चेक करती है और अब उसको बैग में वही गोल्डन कलर की चीज मिल जाती है और लायला यहाँ मार्क को धोखेबाज बोलकर बुलाती है क्योंकि वो दोनों इस चीज को ढूंढ रहे थे और अब मार्क उसे ये चीज छुपा रहा था। पर तभी स्टीवन यहाँ कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो रख लो, पर मुझे मार्क मत कहो क्योंकि मेरा नाम स्टीवन है। तभी वहाँ दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर उसे दो पुलिस वाले दिखते हैं और वो दोनों पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर सीधा आर्थर के पास ले जाते हैं क्योंकि वो दोनों पुलिस वाले आर्थर के लिए काम करते थे। और फिर आर्थर स्टीवन से कहता है कि वो भी खोंसु का अवतार रह चुका है और खोंसु और अमित दोनों गॉड ही गुनहगारों को मारते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि खोंसु बुरे लोगों को बुरा कर्म करने के बाद मारता है पर अमित उन लोगों को बुरा कर्म करने से पहले ही मार डालती है। और ये कहते हुए आर्थर आगे कहता है कि जब गुनाह करने से पहले ही गुनाह को रोक दिया जाए तो सोचो धरती कितनी खूबसूरत होगी। और फिर आर्थर उसे वही गोल्डन कलर वाली चीज मांगता है जिसे वो अपने गॉड अमित को जिंदा करेगा। स्टीवन यहाँ उसको वो चीज देने से मना कर देता है पर तभी वहाँ लायला आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी आर्थर जमीन पर अमित की दी हुई छड़ी को मारता है और जमीन से एक डेविल मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और उन दोनों के पीछे लगा देता है। और अब लायला कहती है कि जल्दी से अपने सूट को पहन लो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। और स्टीवन पूछता है कि कौन सा सूट और लायला कहती है कि वही सुपर हीरो वाला सूट। और उधर उसके अंदर मार्क भी यही कह रहा था कि जल्दी से सूट पहन लो वरना तुम सब मारे जाओगे। और तभी वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है और अब स्टीवन बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और नीचे गिरते हुए वो अपने अवतार में आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। पर स्टीवन को कॉम्बैक की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होती इसलिए वो उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। पर तभी वहाँ मार्क आ जाता है और स्टीवन से कहता है कि बॉडी मेरे हवाले कर दो वरना वो मॉन्स्टर हम सबको मार डालेगा। और स्टीवन यहाँ तैयार हो जाता है और जैसे ही मार्क बॉडी को अपने कब्जे में लेता है तभी वो तुरंत ही मून नाइट में बदलने लगता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन सीन बहुत ही बढ़िया था। फिर उस मॉन्स्टर में और मार्क में बहुत जोर की फाइट शुरू हो जाती है और मार्क मून नाइट बनकर बहुत ही पावरफुल हो चुका था और वो बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है और अब बॉडी पर पूरी तरह से मार्क का कब्जा था। पर इस लड़ाई के बीच वो गोल्डन चीज आर्थर के हाथ लग जाती है और अब आर्थर अमित को जिंदा करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ खोंसु मार्क से कहता है कि आर्थर अब अमित को जिंदा करने वाला है और तुम्हें उसे रोकना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरी में मुझे दूसरे खादिम से ये काम करवाना पड़ेगा। और उसका अगला खादिम लायला होने वाली थी। और फिर मार्क यहाँ तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ आर्थर अपनी टोली लेकर उस जगह पर पहुँचता है जहाँ अमित दफन थी और खुदाई शुरू करवाता है और लायला भी नकली पासपोर्ट बनवा कर इजिप्ट पहुँच चुकी थी। और अब मार्क आर्थर के कुछ लोगों को पकड़कर उनसे आर्थर का पता जानने की कोशिश करता है पर वो आदमी भी अमित को मारने वाला था और वहाँ खुद ही अपनी जान दे देता है और मार्क को कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ इजिप्शियन गॉड खोंसु आ जाते हैं और वो धरती पर मौजूद अलग अलग गॉड के अवतारों की सभा बुलाने के लिए चांद पर ग्रहण लगाना शुरू कर देते हैं और फिर सभा में सारे अवतार आ जाते हैं। और इसी के साथ पहला पार्ट यहाँ एंड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे पार्ट की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।